अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रेहान फ्रॉम टेक वाला भाई। आज की जो हमारी वीडियो है वो है रेड ड्रैगन की गेमिंग केस की। बॉक्स के टॉप पे आपको कंपनी का नाम देखने को मिलेगा और बॉक्स के राइट साइड पे आपको केस का मॉडल नेम नज़र आ रहा है जो कि है स्टीलजा है। केस की जो शेप है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनाई गई है, जैसा कि आपको बॉक्स पर नज़र आ रही है। फ्रंट पे ड्रैगन का लोगो बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे रहा है। इसका मॉडल नेम GC608 है और बॉक्स के राइट साइड पे रेड ड्रैगन कंपनी का लोगो भी दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग हमने कर ली है, अब आपको केस की शेप चेक करवाते हैं। फ्रंट पैनल बिल्कुल प्लेन है, फ्रंट से देखें तो ड्रैगन का लोगो बना हुआ है जो कि कम्प्लीटली RGB है। केस के एक साइड पर टेम्पर्ड ग्लास फिक्स किया गया है जो कि बहुत ही शाइनी लुक दे रहा है। नॉर्मल केसेस के मुकाबले इसका ग्लास बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है। अगर हम केस को टॉप से देखें तो हमें सबसे पहले RGB मोड स्विच देखने को मिलता है, जिससे आप इजीली अपनी RGB लाइट्स के मोड को चेंज कर सकते हैं। साथ ही USB 3.0 पोर्ट है, उसके बिल्कुल साथ 2.0 पोर्ट है, साथ एक हेडफोन जैक है, एक माइक्रोफोन जैक है, एक और हमें USB पोर्ट देखने को मिलती है। पोर्ट के साथ ही हमें रीसेट स्विच मिलता है, उसके साथ मेन पावर ऑन ऑफ स्विच है, और साथ ही यहाँ पर हमें एक मैग्नेटिक जाली देखने को मिलती है जहाँ से बोर्ड की हीट बाहर की तरफ निकलती है। और अगर दोस्तों वेट की बात की जाए तो ये केस बहुत ही लाइट वेट बनाया गया है, आप इजीली इसे कैरी आउट कर सकते हैं। केस के अंदर वाली साइड पर 2 RGB फैंस लगाए गए हैं, एक फैन बैक साइड पर और दूसरा फैन टॉप पर लगा हुआ है। फ्रंट पैनल पर 2 नॉर्मल फैंस लगाए गए हैं, तो दोस्तों बोर्ड के हीट होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। केस की बैक साइड पर हमें एक बॉक्स देखने को मिलता है जहां आप अपना PSU इजीली फिट कर सकते हैं। यूज़र मैनुअल है और मज़ीद हम देख लेते हैं, इसमें कुछ और तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। केस की सबसे नीचे वाली साइड पर हमें 4 स्टेप्स देखने को मिलते हैं जो कि कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी में हैं। अगर आप अपने केस को ज़मीन पर रखते हैं तो आपको अर्थ बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। अगर हम केस की दूसरी साइड से कवर उतार कर देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें हार्ड ड्राइव के 2 केस देखने को मिलते हैं और उसके साथ ही SSD के 2 स्लॉट्स मिलते हैं, यानी कि इस केस में आप टोटल 4 हार्ड ड्राइव्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक छोटा सर्किट मिलता है जो कि आपके RGB फैंस को कंट्रोल करता है, उन्हें पावर देता है, और साथ ही यहाँ शॉपर में एक इनकी कुछ एक्सेसरीज दिखाई गई हैं। एक रिमोट कंट्रोल है, कुछ केबल टाई हैं। रिमोट कंट्रोल से आप RGB फैंस को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें मज़ीद बहुत से फीचर्स हैं, वो हम आगे आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये हमारे मदरबोर्ड के बैक साइड की जैकेट है जिसे हम केस के साथ लगा देते हैं ताकि आपका मदरबोर्ड जो है वो केस के साथ फिक्स हो जाए। तो हमने जैकेट को केसिंग की बैक साइड पर लगा दिया है, अब हम आपको दिखाते हैं कि आपने अपने मदरबोर्ड को केसिंग के अंदर फिट कैसे करना है। मदरबोर्ड को हमने फिट कर लिया है, अब हम आपको दिखाते हैं कि आपने अपने पावर सप्लाई यूनिट को केस के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है।
सारी वायर जो हैं वो आपने बिल्कुल एहतियात से बोर्ड के अंदर वाली साइड में डाल देनी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आपने पावर सप्लाई की जो वायर्स हैं वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे एडजस्ट करनी है। 24 पिन वाले जो कनेक्टर है वो आपने मदरबोर्ड के अंदर 24 पिन वाली जगह पर ही लगाना है। फ्रंट पैनल की जो वायर्स हैं वो आपने बहुत ही एहतियात से फिट करनी है। ये जो वायर है ये USB 3.0 वाली वायर है, इसे आपने यहाँ फिट कर देना है। ये वायर जो है USB 2.0 वाली है, इसे आपने बहुत एहतियात से इसे अपनी जगह पे लगा दें। पावर सप्लाई के चार तारों वाला जो कनेक्टर है वो भी बड़े एहतियात से लगाइएगा। अगर आप इस कनेक्टर को लगाना भूल जाते हैं या नहीं लगाते तो आपका मदरबोर्ड बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा। ये जो वायर्स हैं ये आपके पावर ऑन ऑफ वाली वायर्स हैं, इसे आप बहुत एहतियात से लगाएं। ये जो वायर है ये हमारे बैक साइड वाले फैन की है, इसे आप इस जगह पर लगा दें। और ये वायर हमारे फ्रंट ऑडियो पैनल की है, इसे आपने सही तरीके से अपनी जगह पर फिट कर देना है। तो दोस्तों हमारा गेमिंग केस बिल्कुल रेडी है, चलिए अब इसे चलाकर आपको चेक करवाते हैं। ये देखें दोस्तों RGB फैंस एक बैक पर है, एक टॉप पर है और फ्रंट पैनल पे RGB लाइट्स को एडजस्ट बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। आप अपने गेमिंग केस के RGB फैंस को, RGB फ्रंट पैनल को रिमोट कंट्रोल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं आपने कैसे करना है। ये देखें दोस्तों इसमें बहुत सारे मोड्स हैं, आप जो चाहें वो ही सेट कर सकते हैं। RGB मोड्स हैं, मल्टीपल RGB मोड्स हैं, ये देखें आप इजीली इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त फंक्शन दिया गया है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।